फिर चुप रहे हैं। तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बचाओ, कोई है यहाँ? हे, कोई है? बचाओ, जल्दी करो, कोई बचाओ मुझे! बचाओ, कोई है? जल्दी करो! अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे, और करीब आओ, मैंने कहा और करीब। कितने अजीब हो तुम छोटी छोटी टांगों के साथ, जल्दी करो, और करीब, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। पर मैं गिरने वाला हूँ। मेरा शहद, पीछे हट जाओ, पास आओ। किसी काम के नहीं हो अजीब कांटों वाले, तुम बिल्कुल गवार हो, भागो यहाँ से। हे, नहीं, सुनो, वापस आओ, अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ। आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है, वो पहाड़ी से लटक रही है। मैंने उससे बुरी भालू आज तक नहीं देखी, अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता। माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना मैंने तुमसे कहा नहीं था। भालू कहाँ है, कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था। पता नहीं आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे। उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था। ये सही दिख रहा है, यम, क्या शानदार खुशबू है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो, और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था। तुम गिर सकते थे वहाँ, और मैं भी नीचे गिर जाती। बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है, पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी, तुम्हें याद है ना? इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी, उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से, क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी ना। वो तुम्हारी तरह भागा नहीं, पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं। मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है, और काफी हैंडसम भालू है। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है, मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था। तुम जानती हो, बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया, वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ, क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बल्लू, बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना? मेला या नेला? मेला, वो किसी बूढ़े ओरांगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है, ये सच है, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक, बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे टबाकी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो
क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उसे बिल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। ठीक है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी, तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बलू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र अब तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार। और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे। इंसानी बच्चे, मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बल्लू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है, है ना? मैंने बलू को बिला के साथ जाते देखा। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बलू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? बेला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बलू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। और अगर तुम नहीं होते और इक्की नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। चबाकी, जंगल में अकेली कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बलू, बगी, बचाओ! बाघ मुझे लगभग खा ही गया था। अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू, मैं। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ। इक्की ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया बल्लू। इसे गलत मत समझना, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मुझे अपनी गुफा की शांति ज्यादा पसंद है। मेरी गुफा में मैंने कुछ पुराना शहद बचा के रखा है किसी खास मौके के लिए, जैसे कि एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। चलो बलू मछली पकड़ने, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो, मैं भी अच्छी सी ताज़ा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। हम तीनों एक शानदार टीम है। हाँ,
और मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो हमारी टीम एक साथ कर सकती है। शहद तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी। आज हम खाएंगे सबसे बड़े छत्ते का शहद। नाश्ते में शहद, खाने में शहद, सुबह शाम शहद। बल्लू भला भालू, तुमसे कब से मिलने की उम्मीद थी? और तुम्हारा नाम क्या है मैडम जी? बेला। मुझसे मिलने आए हो तबाकी? हाँ, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार हड्डी चेक कर लूं कि ये खाने लायक है कि नहीं। शेर खान, आज के दिन मैं उस इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना के रहूंगा। ओ, ऐसा क्या? फिर तो मजा आएगा। अफसोस तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ दूसरा साथी जाएगा जिस पर मुझे भरोसा है। पर शेर खान, मैं भी तो भरोसे लायक हूँ। खबरदार तबाकी, अगर मेरे उस खाने को सूंघने की भी जुर्रत की तो। हमारे बलू जी को क्या हो गया? लगता है बलू की भैंस गई पानी में। तो तुम मुझे अपना जंगल घुमाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर घुमाऊंगा। पर हम तो शहद लेने जाने वाले थे ना। वहाँ बाद में जाएंगे मोगली। मोगली? ओह, ये है तुम्हारा नन्हा दोस्त इंसानी बच्चा? ओह, कितना प्यारा और दुलारा है। चलो जाओ, कहीं जाकर खेलो। मैं और बल्लू अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। ये क्या बात हुई बघीरा? मोगली, ये एक आम बात है, एक भालू अब भालू के पीछे ही जाएगा ना। और मेरा क्या? हाँ, और बलू का, और वो शहद का। अरे बलू, रुको मोगली, बलू को ये वक्त अकेले में बिताने दो, वरना और ये है शिव का मंदिर, ये इंसानों ने बनाया है, पर मुझे इसकी कारीगरी बहुत अच्छी लगती है। पर तुमसे ज्यादा कमाल की नहीं है। ओह वाह। चलो बलू, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? हाँ। आंखें तो बंद करो, खोलना मत। बलू, हटो वहाँ से। मोगली, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने इतनी महान कलाकारी का क्या किया? क्या? ये मैंने किया? झूठी, तुमने किया ये? इसे माफ कर दो, ये अभी बच्चा है और बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। चलो मोगली, अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। पर बलू, मुझे शुरू से ही लगा था ये बेला कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। वो इसी तरफ आए थे। ओ बलू, तुम्हें पता क्यों नहीं चलता कि वो एक बाले बुबू? आज का दिन तो कितना सुहाना है। सुहाने से भी सुहाना है। मीठे आम, मुझे आम बहुत पसंद है। अगर मैडम जी को आम पसंद है तो ये बंदा जरूर लाएगा आम। वहाँ के वाला, वो सबसे टेस्टी लग रहा है। वो वाला? हेलो। मोगली, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। मोगली, नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा पीला हो गया है, पीले फूलों की वजह से।
बलू बात समझो ना, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए, पर बेला एक... वो एक बहुत ही खूबसूरत भालू है जिसमें बहुत तमीज है, पर तुम्हें तमीज सिखाने की जरूरत है। अब मैं फिर कहता हूँ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। मोगली और बलू भी इसी तरफ गया है। वो शैतान का नाना इंसानी बच्चा नहीं होता तो बल्लू का काम खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रही हो। बल्लू का सफाया होते ही मैं इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना लूंगा। उसे फूलों के बाग में ले आओ, वहीं निपटेंगे उससे। शेर खान, और वादे के मुताबिक जंगल का ये हिस्सा मेरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये शेर खान का वादा है। बघीरा! हाँ, शुक्र है मोगली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बलू की करो। बलू खतरे में है, वो बेला है ना, शेर खान से मिली हुई है। ओह सच में? अरे हाँ, मैंने उन्हें एक साथ देखा था। मेरा यकीन करो बघीरा। बोलते रहो। उसने बेला से कहा बलू को फूलों के बाग ले जाओ, वो उसे वही निपटेंगे। और फिलहाल बलू कहाँ गया है? पहाड़ी के ऊपर। चलो, हमें उसकी आँखें खोलनी होंगी। चला गया। बोलो अब हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके हमें फूलों के बाग पहुंचना होगा बघीरा। पर पहले तुम्हारा थोड़ा मेकअप हो जाए। हाँ? फूलों की खुशबू से महकोगी तुम, जिंदगी बिताएंगे मिलकर तुम हम, और फिर हम दोनों। अब इससे ज्यादा गाना मैं नहीं बना सकता, पर तुम्हारे लिए गुलदस्ता बना सकता हूँ। बाली बुबू, उप्स, मेरे हाथ से अंदर फिसल गया। फिसल गया तो क्या हुआ, बलू है ना, अभी निकाल देता हूँ। बेला, शेर खान। और क्या, बोलो, बलू का काम तमाम किया? देखो फंसा दिया है, क्यों ना तुम्हें इसका काम तमाम कर दो। मोगली बिल्कुल सही कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। चलो शुक्र है तुम्हें अब कुछ समझ में तो आया। तो बलू का खेल खत्म हो गया ना? ओ शेर खान, पर मुझे लगा तुम वहाँ। तो वहाँ कौन था? इंसानी बच्चे, मुझे लगा ही था अगर तुम्हारे दोस्त बलू को शिकार बनाया जाए तो तुम तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और देखो ना, जितना आसान सोचा था ये उससे कहीं आसान है। कब तक अपने दोस्तों के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? ओ ये शेर खान कहां से आ गया दोस्तों? बस अब और एक्टिंग मत करो, मैं एक सीधा साधा भालू हूँ, इसलिए तुम्हारी असलियत पहचान नहीं पाया। पर अब बेवकूफ नहीं बनूंगा, इसलिए इसी वक्त चली जाओ। आज के बाद मेरे इलाके में नजर मत आना। लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या? आजकल के भालुओं को तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पहले खुद को देखो फिर कहो मैडम। टबाकी, ओ प्यारे टबाकी, खाना अच्छा तो लगा ना? अरे हाँ शेर खान, मेरा मतलब है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो सूंगा तक नहीं। बच्चा, मैंने इससे अच्छा शायद कभी नहीं खाया। मोगली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, माफ कर दो दोस्त। यूहू!
फिर से आ गई। बलू तो यहाँ हो तुम। पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर खोजी है, बहुत सुंदर है, पास ही दिखी थी। तुम कहो तो एक मुलाकात करवा दूँ? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले उससे मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि उससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये आवाज किसकी थी? बलू, बघीरा। मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। ओ, लगता है सालाना मोर मीटिंग हो रही है जिसमें सभी मोर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को लुभाते हैं और बरसात आने से पहले अपने साथ ही ढूंढ लेते हैं। इनका ऐसा चिल्लाना तो अब चलता ही रहेगा। वैसे ये मीटिंग देखनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मोगली। ओ, सालाना मीटिंग है, देखना बनता है। तुम्हें देखना है तो जाओ, लेकिन हम तो सोने जा रहे हैं। हाँ। ओ, ये तो मोर है। इंसानी बच्चा, ये तो मोर से भी स्वादिष्ट है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। क्या बचाई? तुमने जान बचाई मेरी, मोगली की। ओह हेलो, मैं हूँ पावो। ओह शुक्रिया पावो, आज तुम नहीं होते तो शेर खान मुझे कच्चा चबा जाता। शेर खान कहाँ है? चलो यहाँ से निकलते हैं वरना ये उड़ जाएगा। तुम्हें साफ नहीं दिखाई देता है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाँ सही कहा, मुझे ज्यादा दूर का नजर नहीं आता। अच्छा तुम भी सालाना मोर मीटिंग में जा रहे हो? मुझे वो देखने का बहुत मन है। जा तो वही रहा था पर रास्ता भटक गया। अगर मैं लेट हुआ तो मेरी दोस्त मीना उस अकड़ू फूला के साथ चली जाएगी जो बहुत ही हैंडसम है, और मुझे मेरी दोस्त कभी नहीं मिलेगी। और मैं तुमने मुझे शेर खान से बचाया तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त, क्या था उसका नाम? मीना। भागो। अब कहाँ कहाँ, शायद हम बहुत आगे आ गए हैं। आखिरी मीटिंग चल कहाँ रही है? अरे हाँ वो देखो, वो रहे सभी मोर। खो गया था पर मेरा दोस्त मोगली मुझे यहाँ ले आया। तुम बहुत खूबसूरत हो मीना। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पावो, है ना मीना? पीछे मत हटो पावो, अब वक्त है अपनी मीना को वापस पाने का। मैं यहाँ हूँ पावो। ना ही स्टाइल, ना ही कोई रंग, और ना इसे दिखता है, इसे भूल जाओ मीना। सही कहा उसने, जिस मोर को कुछ दिखता ही नहीं और जिसके पास कोई कलर ही नहीं तो उसे क्यों वो अपनाएगी? ऐसा मत कहो दोस्त, तुम तो बहुत ही खास सफेद मोर हो, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए।
और तुम जंगल में सबसे तेज चिल्लाते हो। मैं सबसे तेज तो नहीं चिल्लाता, हाँ पर मैं तुमसे तो अच्छा चिल्ला सकता हूँ। चलो फूला, डांस मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ क्यों नहीं फूला। हाँ तो ठीक है। इससे बेहतर कर सकते हो क्या पावो? अरे नहीं। तुम कर सकते हो पावो? अच्छा वहाँ देखो। कहाँ? ओ सॉरी, वहाँ मीना है, तुम्हें स्माइल दे रही है। सच में? ठीक है पावो, पर मजा नहीं आया। पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अरे नहीं, मुझे इसका खाना नहीं बनना, मुझे बचाओ। देखा कितना बड़ा डरपोक है ये फूला। हाँ वही तो। तो अब हम साथी हुए ना मीना? नहीं पावो, मैं नहीं बन सकती। तुम्हारी वजह से शेर खान हमारी मीटिंग तक आ गया और अभी हम खतरे में हैं। पहले इसे यहाँ से भगाओ, तब मैं कुछ सोच सकती हूँ। नो टेंशन पावो, हम मोर की आवाज निकाल कर शेर खान को यहाँ से भगा सकते हैं। अच्छी है पर और ओरिजिनल निकालो। कहाँ छुपा है डरपोक मोर कहीं के? अब मैं क्या करूंगा मोगली? सोच रहा हूँ, सोचने दो। अरे हाँ आइडिया, चलो पावो अपने पंख फैलाओ। मुझे पता है तू यहीं आसपास कहीं छुपा है। तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई इंसानी बच्चे? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते शेर खान, क्योंकि जंगल की आत्मा मेरी रक्षा कर रही है। क्या कहा, जंगल की आत्मा? मेरी मदद करो जंगल की आत्मा। अरे नहीं, वो सब चले गए। हम यहाँ हैं पावो, शेर खान से बचकर छिपे हैं। हमारा प्लान काम कर गया, पावो ने उसे डरा कर भगा दिया। सच में? मेरी हीरो। तो इसका मतलब तुम? हाँ पावो, हम दोनों अपना जोड़ा बनाएंगे। अरे वाह।
करना। ओ बाबो। ये है जंगल बुक। बागीरा और बलू